हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ISC यानी इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज का क्या क्या फीचर्स है। ISC इज़ अ नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग मॉडरेट लिस्टिंग फीस एंड ग्रांटिंग लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग परमिशन टू स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज हैविंग अ पोस्ट पब्लिक इशू पेड अप कैपिटल ऑफ ₹3 करोड़ टू 5 करोड़ बिसाइड कंपनी विथ अ कैपिटल ऑफ अबव 5 करोड़। ISC एक नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि क्या करता है, बहुत ही कम फीस में स्मॉल लेवल और मीडियम साइज कंपनी को ऑफर करता है सिक्योरिटीज, ताकि वो खरीद और बेच सकें। All traders and dealers of ISC have access to NSE through ISC Securities and Services Limited ISS, which ensures the continuous attention of investor. जितने भी डीलर्स होते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, उनको पहले NSE के पास जाना होता है, जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, ISC में अपना सिक्योरिटीज़ खरीद या बेच सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस द IPO डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट इशू। ये लोग क्या किए हैं, IPO डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए हैं। ISC has set up an investor grievance and service cell. ISC जो है वो एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टर grievance एंड सर्विस सेल करके भी चीज़ ओपन किया है, जिसमें कि विच लुक्स आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेन ऑफ इन्वेस्टर लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोवाइड्स डिसेंट्रलाइज सपोर्ट। देखिए, ISC जो है वो कि इन्वेस्टर ग्रीवांस एंड सर्विस सेल ओपन किया है, जिसमें कि जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, अपनी कंप्लेन को लिखवा सकते हैं, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है लिस्टिंग ऑफ स्टॉक्स विद ISC वुड बी गिव द कंपनी एन एडवांटेज ऑफ बींग आइडेंटिफाइड एज अ टेक्नोलॉजी सेवी एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी। अगर कोई भी स्टॉक जो है वो ISC में क्या है, लिस्टेड है, मतलब ISC में इंक्लूड है, तो जिसके वजह से जिस भी कंपनी का स्टॉक उसमें इंक्लूड है, उस कंपनी का रेपुटेशन या गुडविल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ISC क्या है, बहुत ही फेमस है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।